पता नहीं कि आप लोग का गांव रसल नाइपर को लगता पाल कर रखा है। साला तुलसी डीवा को लगता है इतना ज्यादा जहरीला था। ए रसल नाइपर ये को सिमडेगा जिला सिमडेगा हाँ वहाँ और यहाँ बाप रे बाप कहाँ से इतना सांप आ गया रसल नाइपर। साफ सफाई हो रहा ना वही सफाई कर रहा था उसी समय तो मैंने कल हम अपना घर से खिलता नहीं सबसे बड़ी बात है। नमस्कार दोस्तों आप सभी को स्वागत है। दोस्तों देख रहे हैं हमको लगता है कि इस जगह में झारखंड में हर 100 मीटर में आपको रसल वाइपर मिल जाएगा। गहुमन का संख्या बहुत कम है लेकिन रसल वाइपर उसके अपेक्षा में बहुत ज़्यादा है। और रसल वाइपर जो है ये इसलिए बढ़ता है ये एक बार में लगभग 80 को बच्चा का जन्म देता है। एक बार में 30 बच्चा से लगभग 80 बच्चा जन्म देता है। लास्ट रिकॉर्ड 104 बच्चा एक बार में देने वाला सांप है। ये सांप जो है अंडा नहीं देता है जिसके कारण जो है ये सांप बहुत तेजी से बढ़ा है। और ये सांप जो है आज से नहीं सदियों से हमारा झारखंड नहीं पूरे इंडिया में है लेकिन ये सांप को आदमी पहचानते नहीं थे। ये सांप को लोग चहरचंदा थुथरू बाड़ू बहरा अलग अलग नाम से बोलते थे लेकिन जब से लोग पढ़ाई लिखा करने डिस्कवरी देखने लगा यूट्यूबर लोग जो स्नेक शेवर वो लोग सांप पकड़ने लगा तो इस सांप को जानते ही इंग्लिश नेम इसको रसल वाइपर। तो रसल वाइपर नाम समझ के ही पब्लिक सोचते हैं हो सकता है विदेश से आया ऑस्ट्रेलिया से आया ऐसा। और बोकारो में कुछ जगह में हल्ला है कि ऑस्ट्रेलिया का कोयला आता है उससे आता है लेकिन नहीं ये हमारा झारखंड का ही सांप है। आज से नहीं सदियों से बंगाल में झारखंड आपको महाराष्ट्र में देखिए ये बहुत बड़ा बड़ा मिलेगा। हम लोग झारखंड में ये इसका यहाँ का नेचर जलवायु के हिसाब से छोटा मिलता है लेकिन यही सांप महाराष्ट्र में इतना बड़ा बड़ा मिल जाएगा बहुत मोटा। लेकिन हाँ हमारा झारखंड का सांप और महाराष्ट्र के सांप में अंतर यह होता है वहाँ का सांप से यहाँ सांप बहुत एक्टिव होता है बहुत एग्रेसिव होता है बहुत चंचल होता है और जल्दी बाइट करने की कोशिश करता है। तो ये रसल वाइपर दोस्तों पकड़ेंगे हम आज हुक लेके नहीं आए तो हाथ से पकड़ने की देख कोशिश करते हैं। अरे भैया मैं दिन रात यही रहता हूँ श्रीलंका का जंगल में जो 3 साल बिताया हूँ बांग्लादेश जंगल में दिन रात यही काम करता हूँ। सांप जंगल बिच्छू आप जितना पेड़ पौधा के बारे में नॉलेज नहीं है ना एक एक का पेड़ का बारे में हम पढ़ाई उसी के किए समझे। हम लोग को जंगल में 7 दिन छोड़ दिया था जो आपको यही रहना आप खाना पीना कुछ नहीं 7 दिन जंगल में जानवर को मार के खाइए पत्ता खाइए चाहे जो खाना है लेकिन 7 दिन आपको रहना है जंगल में ऐसे ट्रेनिंग होता था। सोच लीजिए उस समय आपका खाना नहीं आग नहीं है और कोई बिस्तर रहा कैसे कुछ हम लोग पेड़ में बांध घर बना के सो रहा था। इसका जो कांटा है ना बहुत तेज होता है अगर घुस जाएगा ना ये पूरा ये होता है बेल का जो कांटा ना उसमें जहर भी होता है हाँ इसमें भी जहर नहीं पड़ा लेकिन जाते हैं ये देखिए खाना खाया है भाई सुस्त है और ये पेट में खाना नजर भी आ रहा है ये चूहा पकड़ने गया था एक आदमी आके बोल रहा ये तो ढोंढ है आपसे तर्क लगा रहा सुन जो नहीं पहचान का ता बोले दौड़ है अपना भाई दौड़ आके कटवा दो एक बांग्ला चंद्रपुरा बोले हां बांग्ला ते चंद्रपुरा एते घनोस बोले एके यूपी ते अपना बोले पहाड़ी चित्ती हर जगह जगह में नाम चेंज है यार का जैसे हमारा बोली था यार छोड़ेगा तो का होगा मांग सुनने गलेगा तो अरे दिले हम दूर दे तो
कम से कम सकाल सकाल जो जावे ना घर बाहर कोथाओ जावे ई सब चुपचाप एकदम रोद तपार के लगे बस लगे के ओ जने तो तक थाके एकदम सकाल वाला के ध्यान दिबे आ नाले चुपचाप पता चलबे ना साला कामड़े नहीं कोन जगह अच्छा पता फता माटी संग पूरा मैच करे एकदम तो दोस्तों कभी भी ये सांप काट ले दो चार काम ना करना। सबसे पहले पानी मत पीना, इसलिए पानी मत नहीं पीना है ना। कोई आपको घी पीने के लिए दे, कोई गर्म दूध पीने के दिए, तो सोच लीजिए कि आपका जहर और तेजी से शरीर में चढ़ेगा, क्योंकि सांप बाइट करने के बाद हमारा शरीर में कोई भी ऐसा उत्तेजित चीज़ जो ब्लड सर्कुलेशन तेज़ी से करा, ऐसा कोई चीज़ नहीं पीना, नहीं खाना। आपको तुरंत करना क्या है, आपको घर में कपूर है, कपूर को एक कपड़ा में रखिए और उसको पोटली बना दी, दोनों नाक में सूंघते हुए आपको डॉक्टर पास जाना है और जितना जल्दी हो सके। और अगर आपका पैर सूजन शुरू हो गया, उल्टी शुरू हो गया, तो सोच लीजिए धरती का कोई आदमी डॉक्टर छोड़ के कोई नहीं बचा सकेगा। झाड़फूँक का चक्कर में जाइएगा, मारा जाइएगा। और सबसे बड़ी बात, इस सांप में कभी कभी काटने के बाद जहर नहीं छोड़ता। जैसे कि आप भी खाना खाया तो इसका पास बहुत कम मात्रा में जहर था, इतना आदमी तो मर जाएगा, लेकिन बात यह होता है इसमें आदमी मरता नहीं है। आदमी काटने के बाद हो सकता है इलाज के बाद बच जाएगा, लेकिन अगर एक बार में बहुत ज़्यादा मात्रा में हो सकता है 50 ग्राम, लास्ट मैक्सिमम ये 63 मिलीग्राम जहर छोड़ता है। इतना जहर छोड़ दिया तो सोच लीजिए आपको डॉक्टर पास पहुंचने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए सांप, ये सांप काटे तो रस्सी से नहीं बांधे, तीन काम, रस्सी से नहीं बांधना है, पानी नहीं पीना, घी नहीं पीना, ऐसा कोई भी बॉडी को जल्दी दो जो है ये करें, सर्कुलेट करें ब्लड सर्कुलेट, उससे नहीं करना। आपको शांत रहना है, गाड़ी में बैठ के सो जाना है, आराम से शांति से जाना है और कपूर सूंघते हो जाना। इससे क्या होगा, एंटी ऑक्सीजन पैदा करेगा, हमारा सांस लेने जो तकलीफ होने नहीं देगा, जहर को तेज़ी जो होता है वो स्लो कर देगा, गति स्लो कर देगा, आसानी से पहुंच सकते हैं। और तुरंत जो है इसमें एक बार में 10 गो इंजेक्शन लेना पड़ेगा, तभी आपका जान बच सकता है। अगर 1 गो 2 गो करके देंगे हो सकता है जान तो बच जाएगा, लेकिन किडनी लिवर डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी सांप काटे डॉक्टर के पास जाइए, ब्लड टेस्ट कराइए, ब्लड टेस्ट में अगर आता है कि आपको जहर गया है तो एक बार में 10 एंटीवेनम और लास्ट में लगभग 40 से 50 एंटीवेनम लगता है। और अगर किडनी लिवर डैमेज हो गया तो सोच लीजिए कि 2-2.5-3 लाख का खर्चा है इसमें। तो इसलिए सबसे पहले जितना जल्दी होगा डॉक्टर पास जाइए, ताकि पैसा भी कम होगा, आपका जान भी बचेगा। दोस्तों आज के लिए इतना, जय हिंद, जय भारत। चलो।